सो हेलो एरीवन वेलकम टू फेबिलेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस और आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो अपना यूनिट और डायमेंशन रहेगा तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग जयताराम गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग डिफेंस मोटिवेशन गुड मॉर्निंग तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट और डायमेंशन देखो बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा थोड़ा सा अपन बेसिक से लेकर के फिर एडवांस की ओर बढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी भौतिक राशि जो है वो क्या होती है तो सिंपल सी बात यह है कि जिस चीज़ को अपन मेज़र कर सकते हैं जिस चीज़ को अपन मेज़र यानी जिसका मापन किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपन किसी दुकान पे गए शॉप पे गए तो अपन ने बोला कि दो किलो चीनी देना तो हमने उसको क्या बताया एक मेजरमेंट बताया है कि दो किलो क्या देनी है चीनी देनी है तो अपन को उस मेजरमेंट के अनुसार आपको चीनी देगा लेकिन कुछ एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो आप बहुत खुश होंगे लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि कितने खुश हो तो उस चीज का कोई मेजरमेंट नहीं आप बता नहीं सकते कि कितने खुश हैं हम उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है तो वो क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है लेकिन जिसको अपन मेजर कर सकते हैं माप सकते हैं वो आपकी कौन सी कहलाएगी भौतिक राशय कहलाएगी तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि जो मेजरेबल हो है ना विच कैन बी मेजर क्वांटिटी विच कैन बी मेजर यानी जिसको मापा जा सके तो डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं अपन जिसको मापा जा सके वो क्या कहलाएगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी अब फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने बोला कैसे मैंने बोला दो किलो देना इसका मतलब मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया Q बराबर सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली नंबर बोला एक कि दो किलो देना तो मैंने यहाँ लिखा दो के अब इस दो के में देखो क्या क्या चीज़ें आ रही है मैंने बताया चीनी का अमाउंट यानी वो जो क्वांटिटी है वो ये क्यू है उसके बाद में मैंने ये बताया नंबर दो अब इसकी दो की जगह मैं पाँच भी यूज कर सकता था है ना सात भी यूज़ कर सकता था तो इसका मतलब ये ये क्या है एक नंबर तो सबसे पहले मैंने नंबर लिखा है और उसके बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर यूनिट लिखी है तो मैंने एन इंटू यू लिखा है इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो नंबर चाहिए और उसके बाद में आपको यूनिट चाहिए तो आज हमको यूनिट के बारे में ही पढ़ना है कि यूनिट क्या होती है कितने प्रकार की होती है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सारी चीजें आप अपन करने वाले हैं तो देखो सबसे पहली चीज यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ा अब यूनिट का छोटा सा एक डिवाइडेशन है वो अपन पढ़ लेते हैं कि यूनिट कितने टाइप की होती है तो बेसिकली यूनिट को तीन भागों में डिवाइड करा गया है फर्स्ट जो है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट है मूलभूत इकाई जो है उसको अपन बोलते हैं सेकेंड आपकी क्या कहलाएगी डेराइव कहलाएगी और तीसरी आपकी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी यानी पूरक राशियां कहलाएगी अब सबसे पहले देखो मूलभूत यानी मूलभूत से अपन को पता चल रहा है कि मूल राशियां कौन सी होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती अब इस पूरे यूनिवर्स में मूलभूत राशियां आपकी कितनी है सात प्रकार की राशियां जो होती है वो आपकी मूलभूत राशि होती है सर वीडियो रुक रहा है माही चौधरी आवाज आ रही है क्या सही वीडियो थोड़ा क्लियर एक बार वापस बताया कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही देखो फंडामेंटल क्वांटिटी मूलभूत राशियां में हमारे पास में सात टाइप की राशियाँ आ गई है सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूँ लेंथ की यानी लंबाई उसके बाद आपका मास हो गया आपका टाइम हो गया टेम्परेचर हो गया ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं मूलभूत राशियाँ बोलते हैं अब इसके बाद में सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी है डेराइव यूनिट अब डेराइव का मतलब क्या हिंदी में लिखा हुआ वित्पन्न राशियाँ वित्पन्न का मतलब क्या है हम सिंपल सा बता कि इससे क्या करी होगी ये डेराइव की हुई होगी अब जैसे जैसे अपने पास में वेग है वेलोसिटी वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मैंने यहाँ लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम अब डिस्टेंस को किस में नापा जाता है लेंथ के अंदर नापते हैं अपन तो ये देखो लेंथ आपकी क्या है फंडामेंटल है उसके बाद में अगर टाइम देखोगे तो टाइम भी आपकी क्या है फंडामेंटल है तो ये आपके पास में क्या आ रहा है देखो जो आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज है वो किस में आ रही है आपकी फंडामेंटल से बनाई हुई राशियां हैं अब जितने भी टाइप की जैसे डेंसिटी हो गई आपकी वॉल्यूम हो गई आपका एरिया हो गया फोर्स हो गया प्रेशर हो, हो, हो गया ये सारी कौन सी आपकी डेराइव क्वांटिटीज कहलाती है उसके बाद में ला लास्ट अपने पास में है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट जिसको अपन पूरक राशियाँ बोलते हैं इसमें अपने पास में दो स्पेशल जो है वो क्वान्टिटीज़ आती है पहली आपकी क्या है एंगल है और दूसरी आपकी क्या है सोलिड एंगल, है। है? एंगल है। तो एंगल अपन सिंपल से जानते हैं कि जैसे मान लो ये दो लाइन है तो यहाँ से जो ये एंगल बनता है इसको अपन एंगल बोलते हैं और सॉलिड एंगल जो होता है वो थ्री के अंदर जो एंगल बनता है उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड एंगल को किस तरह से डिफाइन करा जाता है वो नेक्स्ट अपना पार्ट रहेगा लेकिन इससे पहले अपन एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन ऐसी कौन सी इकाई है जिसकी यूनिट तो है जैसे इसकी यूनिट तो होनी चाहिए लेकिन इसकी डायमेंशन जो है वो नहीं होती आपके पास चार ऑप्शन है रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डेंसिटी एंगल और एनर्जी एक बार आप कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती आदित्य सिंह नो भी सही है आवाज माही चौधरी वीडियो रुक रहा है गुड मॉर्निंग सर बताओ इन चारों में से ऐसी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है देखो मेरे पास चार ऑप्शन है फर्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डेंसिटी एंगल और एनर्जी तो चारों ऑप्शन पे बात करते हैं कि चारों ऑप्शन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे तो पहली चीज पहला ऑप्शन है आपका रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग अब अपेक्षिक वेग क्या होता है जैसे अगर मान लो मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मान लो कोई पार्टिकल है वो दो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ लेकिन मैं रुका हुआ हूँ लेकिन अगर मान लो मैं भी चल रहा हूँ तो उस केस में क्या करेंगे मेरे रिस्पेक्ट में जब अपन दूसरी वेलोसिटी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी मेरे रेस्पेक्ट में निकाली हुई है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी, से। बी जो है वो किसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है 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 को यानी करने वाला कौन और किसको ऑब्जर्व कर रहा है ए को ऑब्जर्व कर, कर रहा है तो हमारे पास में क्या आएगा इसको अपन लिखते हैं वी ए माइनस वी बी अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस कर दूं यानी अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से मैं 10 किलोमीटर पर आवर माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा दस किलोमीटर पर आवर तो उसकी तो यूनिट भी हो गई और डायमेंशन भी होगी अमित ऑप्शन सी आ रहा है आपका शिवराज जी डी आ रहा है अमित सी ऑप्शन तो देखो वी ए माइनस वी बी इसका मतलब इसकी तो यूनिट भी है और इसकी डायमेंशन भी है यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता तो पहला तो आपका ये कैंसिल हो गया उसके बाद में है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है जब अपन पानी के कंपेयर में किसी की डेंसिटी नापते हैं ताकि हमको पता चलेगी वो चीज़ जो है वो पानी में अगर मैं रखता हूँ तो वो डूबेगी या नहीं डूबेगी तो अपन इसको लिखते हैं रो ऑब्जेक्ट के लिए तो रो ऑब्जेक्ट अपूर् में अपन ने लिखा रो ऑफ वाटर यानी वाटर के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल की डेंसिटी क्या है अगर वो एक से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा एक से कम है तो वो तैर जाएगा लेकिन यहां से हमको ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो देखो रो से रो कट गया इसका मतलब जो रो की यूनिट थी नीचे भी रो की यूनिट तो यहां पर इसकी यूनिट भी नहीं है तो इसका मतलब यूनिट भी नहीं होगी और इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना तो यूनिट है और ना डायमेंशन है इसका मतलब हमको तो ये बोला है कि यूनिट होनी चाहिए लेकिन डायमेंशन नहीं होनी चाहिए इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है अब नेक्स्ट अपन आते हैं एंगल के ऊपर अपन ने जो पिछली स्लाइड है इसमें देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट में हमने एंगल और सोलिड एंगल पढ़ा तो सोलिड एंगल और एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इनकी यूनिट तो होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है कि हमारे पास में एंगल की यूनिट किस में नापते हो एंगल को रेडियन में और अगर सॉलिड एंगल देखोगे तो सॉलिड एंगल किस में नापा जाता है यह नापा जाता है इसते रेडियन में लेकिन अगर इसकी यूनिट बताऊं मैं तो यूनिट तो हमने बता दी लेकिन इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए इसने वो अपने अलग कैटेगरी में रखा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है ये तो हमारे पास में यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है एंगल जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो सी ऑप्शन बता रहे थे अमित बिल्कुल सही है संजना कुमारी बिल्कुल सही सी ऑप्शन होगा कि जो आपका एंगल और स्टे ये आपका सोलिड एंगल होता है इसकी क्या होती है यूनिट तो होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती उसके बाद में अगर एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी की तो यूनिट भी होती है और उसकी डायमेंशन भी होती है तो वो अपन आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी यूनिट डायमेंशन किस तरह से निकाली जाती है नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे सबसे पहला डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नंबर वन डायमेंशन क्या होती है बीमा होती है अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते है? उसको की की हैं उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स के रूप में लिखते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है हमारा सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि गो विथ बेसिक अब इस बेसिक का मतलब क्या है बेसिक्स के साथ जाने का मतलब क्या है तो मैं तो यूं बोलता हूं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रही है उसकी डायमेंशन बतानी कई बार एग्जाम में पूछा गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायमेंशन जब भी आपको पूछी जाए तो आपको क्या करना है उससे रिलेटेड सबसे ईजी जो फॉर्मूला आपको आता है वो लगाओ क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से आप जब डायमेंशन निकाल रहे होंगे तो सारे डायमेंशन क्या आएगी सेम आएगी इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है सबसे इजी फॉर्मूला वहां से पिक करना है और वहां से आपको डायमेंशन निकालनी है फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ अपन फोर से पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर अब फोर्स की डायमेंशन भी कई याद करते हैं याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको बताया कि फोर्स क्या लिखते हो न्यूटन के द्वितीय नियम से अपन जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है तो मैं तो याद नहीं करता मैं तो डायरेक्टली लिखता हूं कि एम ए अब ये एम ए जो है वो माइंड में रखना है कि एफ बराबर एम ए यहां से डायरेक्ट डायमेंशन लिखो क्या है मास आपके पास में है तो ये हो गया आपकी एम की पावर वन उसके बाद में आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण एरन तो को क्या लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो गया आपका एल वन और ये हो गया टी माइनस टू तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा फोर्स की डायमेंशन लिखी है एम वन एलवन और टी माइनस टू तो ये अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है हालांकि ये बहुत बार काम में आएगी तो अपन को वैसे भी याद हो जाती है कि एम वन एल वन टी माइनस टू होती है लेकिन आपको याद करना नहीं है आपको माइंड में सिर्फ क्या रखना है एम ए तो ना एक्सेलरेशन हमको पता है यहां पर मास वन तो एल की पावर वन टी माइनस टू अगर मैं आपको बोलूँ कि तो एनर्जी की डायमेंशन बताओ तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी देखो अब एनर्जी हमने बचपन से पढ़ी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एनर्जी के बहुत सारी फॉर्म होती है सबसे पहले जैसे गत्तीजी ऊर्जा पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी उसके बाद में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है उसके बाद में वर्क से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी भी अपन ने पड़ी है तो कोई सा भी फार्मूला जो आपको आता है वो फार्मूला लगाओ डायमेंशन सबकी क्या आएगी सेम आएगी तो देखो कैसे आती है जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ हाफ एमबी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या होती है आपकी गतिज ऊर्जा है उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो एम जी एच लिखना पड़ेगा उसके बाद में अगर मैं फोर्स से अगर वर्क डन निकालूं तो मैं लिखूंगा एफ डॉट डी आर तो मैंने लिखा एफ डॉट डी आर अब इन तीनों से अपन क्या करते हैं डायमेंशन निकालते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन सेम आएगी या अलग आएगी तो सबसे पहले जब भी मेरे को एनर्जी की डायमेंशन पूछी जाती है तो मैं तो मन में यही रखता हूं हाफ एम वी स्क्वायर और यहां से डायरेक्ट लिखता हूँ देखो एम हाफ की तो कोई होती नहीं है डायमेंशन उसके बाद में मास दे रखा है तो एम की पावर वन उसके बाद में वेलोसिटी का स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड और उसकी पावर कितनी है दो है तो ये हो जाएगा आपका एल टू और ये हो जाएगा टी माइनस टू बस यहाँ से एनर्जी की डायमेंशन आ गई अब कितना टाइम लगा पाँच सेकेंड लगे तो सीधा सा एनर्जी की डायमेंशन को याद करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ ये याद रखो कि डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर अपने बन में रखो डायरेक्ट डायमेंशन लिखोगे एम की पावर वन हो गई एल की पावर टू और टी की पावर कितनी हो गई माइनस टू अब मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं करना आपको एम जी एस से निकालना है तो यहाँ से निकाल लो तो अगर मैं लिखूँ तो एम की पावर वन मास तो हो गया वन उसके बाद में जी क्या है आपका गुरुत्व त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ये मैंने लिखा एल वन होता है टी माइनस टू होता है उसके बाद में एच एच क्या आपकी हाइट किसमें नापा जाता है मीटर में तो ये आपका कितना हो जाएगा एल टू हो जाएगा अब एक चीज देखो कि यहाँ से और यहाँ से जो डायमेंशन आ रही है वो दोनों डायमेंशन क्या है सेम है इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला आप लगा लो दोनों से डायमेंशन आने वाली जो है वो क्या आएगी सेम आएगी उसके बाद में अगर एफ डो डी आर लिखोगे तो फोर्स की डायमेंशन तो अपने निकाल ही ली अभी निकाली एफ एम वन एल वन टी माइनस टू उसको डी आ रही यानी लेंथ से मल्टीप्लाई तो करना है तो मैंने ये लिखा एम वन लेंथ से मल्टीप्लाई करा तो एल टू और ये हो गए टी माइनस टू तो यहाँ से आपका क्या आया देखो तीनों डायमेंशन क्या आ रही है सेम आ रही है तो जितने भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे लेकिन आपको क्या करना है सबसे ईजी फॉर्मूला पिक करना है जहां से आपकी इजिएस्ट डायमेंशन जो है वो निकल सके और सारे से निकालोगे तो डायमेंशन सेम आएगी ये अपन ने यहाँ पर प्रूफ करा है अब ऐसे ही आपको क्या करना है जितने भी डायमेंशन आएगी वो सारे निकालनी है तो इक्वेशन की फॉर्म में अपन इसको लेते हैं देखो क्या है सबसे पहला द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसकी आपको क्या बतानी है बीमा बतानी है अब ईजी फॉर्मूला है अब बचपन से पढ़ते आए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ देखो एफ बराबर जी एम वन एम टू अपन में आर स्क्वायर ये सब ने पढ़ा है और यहाँ से आपको क्या निकालनी है जी की डायमेंशन है जी की वीमा निकालनी है जो जी है उसी को बोलते हैं बन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट तो इसकी डायमेंशन आपको बतानी है तो एक बार कमेंट करके बताया चार ऑप्शन आपके पास में है तो जी की डायमेंशन जो है वो आपको निकालनी है बताए देखिए क्या ऑप्शन आएगा कमेंट करके और इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये बात पहुँच सके तो बताओ देखे जी जो है आपके इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आएगी चार ऑप्शन आपके पास में देखो जी के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले जी को इधर बाकी एफ आर स्क्वायर हो गया नीचे लिखा एम वन और ठीक है अब हमको पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है अभी अपन ने निकाली उसके बाद में आर यानी डिस्टेंस है ये तो उसके बाद में एम वन और एम टू क्या है मास है तो सबसे ईजीएस्ट है अब करना क्या देखो मैंने लिखा जी अब डायमेंशन लिखो तो फोर्स की डायमेंशन क्या है अब फोर्स की डायमेंशन याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सीधा सा साब बराबर एमए और माइंड से एमए जैसे याद आता है तो एम वन और एक्सेलेशन का मतलब एन वन और टी माइनस टू ठीक दिया मैंने डायरेक्ट देखो फोर्स की डायमेंशन में डायरेक्ट लिख पा रहा हूं उसके बाद में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर लिखोगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल टू यह मैंने लिख दिया एल टू उसके बाद में मैंने क्या लिखा मास है एम वन और एम टू तो एम की पावर वन हो गई ये भी एम की पावर वन हो गई तो टोटल कितना हो गया एम की पावर टू अब यहाँ से आप डायरेक्ट आ जाओ ऑप्शन के ऊपर और ऑप्शन देखो कौन सा सही आ रहा है अमित ऑप्शन बी आ रहा है धर्मेंद्र ऑप्शन बी है देखो क्या आता है सबसे पहले एम देखो तो एम की पावर वन है यहाँ एम की पावर टू है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम की पावर माइनस वन तो एम की पावर माइनस वन वाला देखो एक तो ये है उसके अलावा कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये आपका राइट ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल गया उसके बाद में और भी चेक कर सकते हो जैसे ये एल की पावर है तो एल की पावर वन और ये टू कितनी हो गई एल की पावर थ्री हो गई तो यह सही आ रहा है उसके बाद में टी की पावर कितनी है माइनस टू तो ये आपका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है तो करना क्या बड़ा कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कह रही जो फॉर्मूला आपको पता है वहाँ से उस फॉर्मूले में जैसे मैं यहाँ पर आया अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए अब ये कब पता होगा जब अपन सारे चैप्टर पढ़ ले होंगे तो हमको फॉर्मूले ऑब्वियसली बात है याद ही करने तो उस फार्मूले से अपन ने क्या निकाला है ये निकाला है डायरेक्ट आपके डायमेंशन जो अपन बता सकते हैं ये समझ में आ गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेसिक था अपन धीरे धीरे जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे नेक्स्ट अपन बात करें तो सेकेंड आपके डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट प्लांक का जो नियतांक है उसकी आपको डायमेंशन बतानी है चार ऑप्शन आपके पास में तो अगर मैं फॉर्मूला आपको पहले बता दूं तो उससे भी अगर आप डायमेंशन निकाल लो तो भी आप कॉन्सेप्ट तो सीख गए फॉर्मूला तो बना के सीख ही जाएंगे तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है एनर्जी जो अपन लिखते हैं वो लिखी जाती है एच इंटू म्यू से यहाँ पर ई e जो है वो एनर्जी है उसके बाद में एच जो है वो प्लांक्स कॉन्स्टेंट है इसको लेमड़ा से भी शो करते हैं तो एच और लेमड़ा से कन्फ्यूज नहीं होना है तो एच आपको इसकी क्या निकालनी है डायमेंशन निकालनी और वी जो है वो आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है तो एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को कि सिंपल सा आपको क्या निकालना है एच की डायमेंशन निकालने और कमेंट करके बताओ कि क्या ऑप्शन आपका आएगा तो ये क्या है आपकी एनर्जी और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी और आपको लेमड़ा यानी या एंड एच इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसके आपको क्या बतानी है डायमेंशन बतानी है राहुल कुमार राम राम शाह राम राम अब इसकी डायमेंशन जो है वो बताओ देखो कितना टाइम लगता है आपको 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए इजी फॉर्मूला है सबसे ईजी बराबर एच ये तो मैंने लिख ही दिया यहां से आपको किसकी डायमेंशन निकालनी एच की डायमेंशन निकालनी निकाल तो निकालो देखो क्या है ये तो एच के लिए अगर मैं लिखू एच बराबर क्या लिखना पड़ेगा एच को एक साइड लेके आगे बच्चा आपका कितना ई नीचे आया आपका म्यू तो मैंने लिखा ई बटन अब यहां से डायमेंशन निकालो अब हमको पता है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी अब एनर्जी की डायमेंशन याद नहीं है लेकिन हमको ये पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर होती है एनर्जी तो यहां से डायरेक्ट अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा एच की जो डायमेंशन आएगी यहां से एनर्जी की डायमेंशन हाफ एम वी स्क्वायर से तो एम की पावर कितनी हो गई वन उसके बाद में एम वी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर तो ये मैंने लिखा एल वन तो एल टू हो जाएगा और टी माइनस टू ये एनर्जी की डायमेंशन देखो मैंने डायरेक्ट लिख दी अब याद करने की जरूरत नहीं है एनर्जी की डायमेंशन हालांकि बार बार आएगी तो याद हो ही जाएगी लेकिन फिर भी अपन को याद नहीं करना है सीधा सा फॉर्मूला है अपन को पता है तो डायरेक्ट वन में रखो और ये रख उसके बाद में ये जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी वन अपॉन टाइम तो वन अपॉन टाइम का मतलब कितना हो गया टी की पावर माइनस वन जो है वो इसकी डायमेंशन है तो मैंने लिखा टी की पावर कितनी माइनस वन अब यहाँ से आप क्या करो डायरेक्ट यहाँ आ जाओ चारों ऑप्शन आपके पास में तो सबसे पहले देखो एम की पावर वन होनी चाहिए तो एम की पावर वन यहाँ भी है एम की पावर वन एम की पावर वन एम की पावर वन तो एम में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उसके बाद में एल की पावर यहाँ कितनी है दो तो एल की पावर माइनस दो यानी ये ऑप्शन सही नहीं है ये हो सकता है और ये हो सकता है दो ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं उसके बाद में टी की पावर कितनी आएगी तो टी की पावर माइनस टू है यहाँ से माइनस वन ऊपर आएगा तो बचेगा माइनस वन तो टी की पावर माइनस वन वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन सी ए जो है वो आपका करेक्ट होगा तो सिंपल से आपको करना यही था कि ई बराबर अपन को एच इन म्यू होता है तो एच की इक्वेशन के लिए आपको एच बराबर ए अपॉन व्यू लिखना है यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वन लाइनर जो है वो आपका क्वेश्चन है दस सेकेंड या पंद्रह सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए ठीक है ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था सिंपल सी चीज़ ये थी कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ईजी फॉर्मूला उससे रिलेटेड क्या है जिससे मैं वो जो डायमेंशन है निकाल पाऊँ अब नेक्स्ट चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन लगभग जो है वो पूछा जाता है अब वो कॉन्सेप्ट क्या है देखो हमको पूछा जाता है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी आर यहां पर क्या है रेजिस्टेंस एल यहां पर इंडक्टेंस है और सी क्या है कैपेसिटेंस लेकिन हमको क्या पूछता है इनका कॉम्बिनेशन पूछता है अब कॉम्बिनेशन कैसे जैसे हमको ये पूछा कि डायमेंशन बताओ आर एल की या डायमेंशन बताओ आर सी की कोई भी डायमेंशन आपको पूछ सकता है अब इस डायमेंशन को याद करोगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हंड्रेड परसेंट होगा क्योंकि कई में टी की पावर वन आती है की पावर माइनस वन आती है टी की पावर टू टी की पावर माइनस टू आती है तो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा तो याद करोगे तो भी कन्फ्यूज रहोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ याद कर लेता हूँ दो तीन यूनिट इससे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ जहाँ से हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट आंसर आएगा और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है देखो हमको ये पता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए एक तरीका तो ये है कि आर की डायमेंशन निकालो फिर सी के निकालो और एल के निकालो तो वहां से तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आर के निकालोगे फिर सी के निकालोगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से करना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है तो मैं तो ये करता हूँ कि देखो हमको बताया कि वी जो पोटेंशियल होता है इन तीनों फॉर्मूले को एक फॉर्मूले में अपन बना लेते हैं कैसे बनाएंगे देखो अपन ने ओम का नियम पढ़ा है ओम का नियम क्या बोलता है वी इजिकल्स टू क्या होता है आई आर होता है सब ने पढ़ा है वी इजिकल्स टू आई आर वी यहाँ पर क्या है पोटेंशियल आई यहाँ पर क्या है आपका करंट है और आर आपका क्या है रजिस्टेंस ये सब ने पढ़ा है ओम का नियम कहलाता है अब अगर मैं इसी पोटेंशियल का इन दोनों की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला बता दू तो क्या आएगा हमको पता है कि अगर मैं कैपेसिटेंस पढ़ता हूं तो हमारे पास में क्या आता है V बराबर अपन लिखते हैं Q बाई सी ये लिखते हो है ना कैपेसिटी का जब भी अपन स्टार्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला लिखते हैं क्यू बाई सी ये भी पोटेंशियल के बराबर है उसके बाद में अगर मैं इंडक्टर की फॉर्म में लिखूं तो हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी अब एक चीज बताओ मुझे कि जब ये तीनों फॉर्मूले बराबर है यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको पोटेंशियल को तो तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो है वो आई आर के भी बराबर है पोटेंशियल आपका क्यू बाई सी के बराबर है पोटेंशियल आपका एल डी आई बाई डी टी के भी बराबर है अब अगर मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन पूछे तो मैं क्या करूंगा देखो सबसे पहले अगर मान लो मेरे को पूछ लेगी आर इन टू सी इसकी डायमेंशन क्या होगी तो मैं क्या करूंगा मैं डायरेक्ट ये करने वाला हूं कि अगर आर सी की डायमेंशन पूछी है तो मैं आर एक तो वी इज इक्वल्स टू आई आर रखता हूँ और एक लिखता हूँ क्यू बाई सी क्योंकि यहाँ पर आर जो चाहिए यहाँ पर मुझे सी चाहिए अब इसके बाद में आर सी जब मुझे चाहिए तो मैं आर सी को एक तरफ ले आता हूँ तो ये आर सी एक साइड लेके आ गया यहाँ बचा क्यू नीचे आ गया आपका आई अब यहां से देखो ये आया क्यू अब आई को क्या लिख सकते हो करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है तो मैंने यहाँ लिखा क्यू और नीचे लिखा टी क्यू बाई टी तो होता है तो ये क्यू से क्यू कट गया ये आया टी की पावर इसका मतलब आर सी जो होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है की पावर वन होती है अब इस आर सी की डायमेंशन याद करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि मैं सीधा क्या करूंगा जैसे मेरे को कॉम्बिनेशन दिखा कि वन अपोन आर सी है या आर सी है तो मैं सीधा क्या करने वाला हूँ यहाँ आने वाला हूँ और यहाँ से सीधा रिजल्ट आएगा आपका की पावर वन अगर और कोई कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाए जैसे मान लो अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप एक डायमेंशन बताओ एल सी की तो बताओ देखिए एलसी जो होता है इसकी डायमेंशन क्या आएगी एल सी डायमेंशन के लिए क्या करोगे एक तो एल वाला ये वाला पार्ट और एक C वाला पार्ट ये वाला यह आपको लेना है तो इन दोनों से आपको क्या निकालनी डायमेंशन निकालनी करोगे क्या सबसे पहले एल सी को एक तरफ लेके आया हमें तो बचा मेरे पास में क्या एलसी इधर आ गया तो क्यू इधर डी टी और यह आपके पास में आया डी आई तो यहां से देखो क्यू तो मैंने लिखा ये नीचे आए ऊपर आए यहाँ टी अब आई को अपन क्या लिखते हैं क्यू बाई टी लिखते हैं तो मैंने यहाँ से लिखा क्यू डिवाइडेड बाई टी क्यू से क्यू कर दिया इसका मतलब एल सी की जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई की पावर दो आ गई अब मेरे को याद नहीं करना पड़ा कि एल सी की डायमेंशन की पावर टू होती है आर सी की क्या होती है की पावर वन होती है क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन अपन याद करके चले गए आर सी की तो हमको पता है कि की पावर वन है लेकिन अगर मान लो एग्जाम में कॉम्बिनेशन चेंज कर दे थोड़ा सा वन अपोन आर से कर दे तो हम क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वन की पावर वन था या माइनस वन था क्योंकि ऑप्शन में आपको चारों यही मिलने वाले हैं टी की पावर वन मिलेगा टी की पावर टू मिलेगा माइनस वन मिलेगा माइनस टू मिलेगा तो वहां हंड्रेड परसेंट आपके कन्फ्यूजन रहेगा तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तीनों पोटेंशियल के फॉर्मुले हैं मैं तो डायरेक्ट क्या करूंगा यहाँ पर आऊँगा इस फॉर्मूले से लगाऊंगा और हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट आने वाला कि कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है v ए जी टू आई आर है बराबर q बाई सी एल डी आई बाई डी ठीक तो यहाँ से मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए यहाँ से अगर मेरे को आर सी दे दिया यहाँ पर एल सी दे दिया या यहाँ से आर अपोन एल का दे दिया या एल अपोन आर दे दिया तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मेरे को दोगे तो मैं वहाँ से आपके डायमेंशन जो है वो निकाल सकता हूँ ठीक है इस चीज़ का अपन को खास तौर पे ध्यान रखना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए ठीक है अब अपन चलते हैं आगे इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर दोगे तो मान जाएंगे कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको पूछा डायमेंशन ऑफ वन अपॉन आर सी तो बताओ देखिए वन अपॉन आर सी की जो डायमेंशन है वो क्या है ये आपके पास में ऑप्शन है एम जीरो एल वन टी पावर वन ये फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद में एम जीरो एल जीरो टीकी पावर वन देखो यहाँ पर वन भी आ रहा है माइनस वन भी आ रहा है तो यहाँ अपन को कन्फ्यूज हो ही जाता है कन्फ्यूजन हो ही जाता है कि की पावर वन था या माइनस वन था तो अपने माइंड बाय बर्डन ये रखना आप उनको वही कॉन्सेप्ट काम में लेना है वहाँ से जो रिजल्ट है वो आपका आएगा तो एक बार कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन जो है उसका कौन सा सही होगा <laughs> कॉन्सेप्ट आपको वही काम में लेना है कि V इज इजिकल्स टू हमको बताया आई आर होता है एल डी आई बाई डी टी और Q बाई सी होता है ठीक है तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आता है वन अपॉन आर से पूछा है तो वन अपॉन आर से के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक तो आर वाला लेना है ऐसा फॉर्मूला जहाँ पर आर आई ऐसा फॉर्मूला जहां पर क्या है सी है तो ऑप्शन माही चौधरी बी ऑप्शन बता रहे हैं माही चौधरी की पावर वन एक की पावर माइनस वन देखो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आता है एक तो आर वाला लेना है और एक सी वाला लेना है तो सबसे पहले देखो अगर मैं वी इक्वल टू क्या लिखूं आई आर लिखू? और एक में क्या लिखू क्यू भाई सी यही तो है तो यहां से अगर मैं लिखूं तो V इक्वल्स टू इस V वाले का तो कोई काम नहीं है यहाँ से देखो आर अपन को चाहिए 1 अपोन आर सी तो 1 अपोन आर सी कब आएगा जब ये R को अपन यहाँ लाएंगे ये यह बचेगा Q पर आएगा आपका I तो यहाँ I और यहाँ से आएगा आपका Q तो आई Q आएगा ठीक है उसके बाद 1 अपोन आर सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आए आई को अपन क्या लिख सकते हैं क्यू बाई लिख सकते हैं और यहाँ से क्यू आपका ही है ही तो क्यू से क्यों कर दिया तो यहाँ यार की पावर कितनी माइनस वन अब देखो एक तो अपने आर सी पढ़ा रही अपने वन ओपन आर से पढ़ा तो आ तो टी की पावर वन टी की पावर माइनस वन ही है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि की पावर वन था उस टाइम पर या टी की पावर माइनस वन था क्योंकि पढ़ते टाइम तो हमको पता रहता है कि ये की पावर वन है ये वन अपॉवन आर सी का ये है ये ये है लेकिन जब एग्जाम में अपन जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे की तो पावर वन मिल गया अब की पावर माइनस वन मिल गया तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि की पावर वन था या माइनस वन था तो इसको साइड में रखो करना कुछ नहीं है कि अप्लाई करना है जो फॉर्मूला आपको दे रखा है जैसे आर सी दे रखा था तो मैंने एक तो आर के लिए लिख लिया और एक सी के लिए लिख लिया दोनों को मैंने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया बराबर कर दिया आपका आंसर आ गया तो दो स्टेप में आंसर आ रहा है ये कितना टाइम लगने वाला है इसमें यहाँ से डायरेक्ट रखोगे तो आपका दस सेकेंड के अंदर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट है आपका हंड्रेड परसेंट जो है उसके लिए श्योर हो सकते हो कि ये आपका क्या है बिल्कुल सही ऑप्शन है तो यहाँ पर टीकी पावर माइनस वन एम जीरो एल जीरो टीकी पावर माइनस वन यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है तो माहेश चौधरी साहिल खान ने बिल्कुल सही सी ऑप्शन आ रहा है आपके तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बार बार पूछा जाता है जैसे आर अपॉन एल का कॉम्बिनेशन हो गया कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को करना तो यही है अब उसके बाद में कुछ भी दे दे आपको तो आप निकाल सकते हो ठीक है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपन मैराथन क्लास में भी देखेंगे दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो वो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड ये है आपका एडिशन ऑफ क्वांटिटीज पहली चीज तो दूसरा आपका है साइन कोश अक्स लोगक्स की पावर इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है डायमेंशन तो सबसे पहले पहले पॉइंट पे बात करते हैं और इस पहले पॉइंट को अपन जानते भी हैं कैसे जानते हो जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि किसी भी क्वांटिटी में जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि दो किलो दो मीटर के अंदर आपको दस मीटर जोड़ना है तो आप बता दोगे कि बारह मीटर आंसर आएगा लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कि दो मीटर में आपको दो किलो जोड़ना है तो जोड़ सकते हो गया नहीं जोड़ सकते इसका मतलब किन क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है जो सेम होती है यानी ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो यानी अगर मैं दो क्वांटिटी को जोड़ रहा हूँ ए और बी को तो वो तभी जोड़ी जा सकती है जब उनकी डायमेंशन क्या होगी सेम होगी क्योंकि किलोग्राम में अगर आप मीटर जोड़ने लगोगे तो जोड़ ही नहीं सकते इम्पॉसिबल है ये तो हमको पहले से पता है तो ऐसी क्वांटिटी जो सेम होती है यानी ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन जब सेम होगी तभी वो क्या हो सकती है जुड़ सकती है अदरवाइज जुड़ना पॉसिबल नहीं है इसी तरह से अगर मैं माइनस के लिए देखूँ तो ए माइनस बी सेम चीज़ है कि माइनस भी वही होगी जो क्या होगी सेम होगी लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लाई की और डिवाइड की तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखो अगर मैं लिखता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी तो इसकी डायमेंशन ए और बी की अलग अलग हो सकती है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ स्पीड सब जानते हैं कि स्पीड को अपन कैसे लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम अब देखो डिस्टेंस क्या है आपके मीटर में और टाइम क्या है आपका सेकेंड्स में आएगा तो दोनों की डायमेंशन अलग अलग हो गई तो ये इससे क्वांटिटी जो बनेगी वो आपकी स्पीड बनी तो जब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन हो सकता है लेकिन अगर दो क्वांटिटीज को आपको जोड़ना है या घटाना है उसके लिए ये आपको हंड्रेड परसेंट श्योर होना पड़ेगा कि ए और बी इन दोनों के डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम डायमेंशन होनी चाहिए ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है तो अगर ये डायमेंशन सेम होगी तभी आपकी क्वांटिटीज जुड़ेगी अब इसको ये कॉन्सेप्ट तो अपन समझ गए लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है किस तरह से पूछा जाता है कॉन्सेप्ट उसका भी अपन को पता होना चाहिए तो देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके बाद में लेंगे जैसे सेकंड आपका ये है कि साइनक्स कोशक्स लोगक्स और इक्की पावर एक्स ये जो फंक्शंस होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती जैसे अगर मान लो मैं लोगक्स लिख रहा हूं तो लोगक्स की कोई डायमेंशन नहीं है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो अगर जैसे इक्की पावर में कुछ दे रखा है या मान लो अगर मैं लोग कोई क्वांटिटी दे रखी है तो वो क्वांटिटी जो है वो कट कटा करके वन आ जानी चाहिए तभी आपके डायमेंशन लेस होगा वो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है तो ये जो क्वांटिटीज़ है इनको कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह से बनेगा कि लास्ट में आपका कितना बचेगा एक बचेगा अब इसको अप्लाई कैसे करना है इसको अपन एक समझते हैं देखो आपको दे रखा है एस बराबर ए वन माइनस ए के पावर माइनस बी एक्स टी फॉर्मूला आपके सामने जहाँ पर एस क्या बता रखिए चाल बता रखिए एक्स जो है वो विस्थापन है तो बी आपको बताना है कि बी का मात्र क्या होगा आपको ए और बी दोनों में से कोई भी मात्रक जो है वो पूछ सकते हैं कि एक का बताओ या बी का बताओ तो एक बार इसको अटैम्प्ट करके बता सकते हो कि क्या ऑप्शन आपका सही आएगा चार ऑप्शन आपके पास में है मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन सेकेंड है मीटर की पावर माइनस टू सेकेंड उसके बाद में है सेकेंड माइनस टू वो रहेगा सेकेंड की पावर माइनस वन तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से आएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यह आपके पास में फार्मूला है इस फॉर्मूले को सबसे इजी फॉर्म में लिखते हैं क्या लिखा मैंने एस बराबर यहां से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक तो आया ए माइनस ए एक की पावर माइनस क्या है बी इंटू एक्स इंटू यही तो आपका फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में दे रखा है अब अगर मैं इसे बोलूं कि इसमें से ये माइनस हो रहा है ये पूरी क्वांटिटी एक हो गई और दूसरी क्वांटिटी आपकी ये होगी तो अगर इसमें से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए दूसरी चीज ये कि ये इक्वल्स टू एस क्या आ रहा है इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी एक तो ये पूरी कंप्लीट एक एस और एक ये इन तीनों की डायमेंशन और यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर मेरे को ए की डायमेंशन पूछता क्वेश्चन में आपको बी की पूछ रखी है लेकिन अगर मान लो ए की डायमेंशन पूछता तो एक की डायमेंशन आपकी क्या आएगी एक डायमेंशन आपकी आएगी वो डायमेंशन आएगी जो एस की है अब एस आपके पास में क्या है एस आपकी चाल है यानी आपकी हो जाएगी मीटर और सेकेंड माइनस वन ये आपकी किसकी होगी ए की हो डायमेंशन हो गई लेकिन आपको पूछे किसकी है बी की डायमेंशन पूछे तो सबसे पहले एक ही डायमेंशन में निकालने के लिए एबल हो गए अब सेकेंड अगर मेरे को पूछी जा रही है बी की तो हमको ये बताया कि देखो ये किस में आ रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ रहा है एक की पावर माइनस बी एक्स टी और हमको ये बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं या लोग फंक्शन जो होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो अगर इनकी कोई डायमेंशन नहीं है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें जितने भी यूनिट है वो आपस में क्या हो जाने चाहिए कैंसिल हो जाने चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि बी इंटू एक्स इंटू टी ये सब मिल कर के क्या हो जाएंगे आपके वन हो जाएंगे तभी तो कट कैंसिल होंगे एक दूसरे से अब एक्स यहाँ पर क्या है एक्स यहाँ पर विस्थापन है टी यहाँ पर क्या है टाइम है आपको किसकी पूछिए बिग डायमेंशन पूछिए तो बिग डायमेंशन के लिए क्या करोगे तो ये आएगी वन अपॉन में एक्स इंटू अब यहां से आप डायमेंशन लिख सकते हो यूनिट भी बता सकते हो डायमेंशन बता सकते हो तो क्या आएगी यूनिट अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगी मीटर की पावर माइनस वन और सेकंड की पावर माइनस वन तो इसका मतलब मीटर माइनस वन और सेकंड माइनस वन क्या है आपका राइट ऑप्शन है ठीक है इस पर आपको क्या करना ध्यान देना तो सिंपल सा कॉन्फिगेशन है कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो क्वांटिटीज अगर जुड़ रही है तो या एक दूसरे से माइनस अपन कर रहे हैं तो उन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए दूसरी चीज ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया या साइनक्स या कोशक्स हो गया इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसके अंदर का जो पार्ट होगा हमेशा कैंसिल आउट हो रहा होगा और कट करके आपका क्या आएगा वन आएगा तो सिंपल सा अपन ने क्या करा है ए की भी डायमेंशन बता दी और अपन ने बी की डायमेंशन भी बता दी ठीक है यही करना है सीखना है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास में नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं उसके बाद है कॉन्सेप्ट नंबर फोर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज यानी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना कि कौन किस पर किस पावर पर डिपेंड कर रहा है जैसे अगर मान लो मैं फोर्स लिखता हूँ तो फोर्स की डायमेंशन लिखने का मतलब क्या है अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन लिखी थी तो फोर्स की डायमेंशन लिखी मैंने एम वन उसके बाद में एल वन और कितनी टी माइनस टू ये डायमेंशन लिखी इस डायमेंशन का मतलब क्या है इस डायमेंशन का मतलब यह है कि फोर्स जो है वो आपका मास की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है उसके बाद में लेंथ की पावर भी वन पे डिपेंड कर रहा है और टाइम की पावर माइनस टू के ऊपर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है तो ये इस पर डिपेंड कर रहे हैं लेकिन अगर मान लो मैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की जगह अगर मैं दूसरी क्वांटिटी ले लूँ तो अगर मेरे को पूछा जाए कि वो उस पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो एक ही तरीका है उसी तरीके को फॉलो करना है हालाँकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन जब आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो फटाफट हो जाएगा करना क्या है जैसे मान लो आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स बाय एज्यूमिंग प्रेशर वेलोसिटी एंड टाइम बेसिक यूनिट्स आपको क्या करना है फोर्स यानी बल का फॉर्मूला निकालना है लेकिन बल का फॉर्मूला हमको बताया कि एम वन एल वन टी माइनस टू है लेकिन किसकी फॉर्म में निकालना है? हमको पूछा गया है कि पी वी और टी यहाँ पर पावर्स में अपन को दे रखा है तो ये किस तरह से निकाला जाना चाहिए ये अपन आज सीखने वाले है देखो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी है उन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे तो पहले ये कन्फर्म कर लें कि अपन को इन तीनों के डायमेंशन पता है ठीक है उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे कैसे करोगे देखो अगर मैं लिखूँ फोर्स के लिए तो अगर एम एल टी में देता तो मैं डायरेक्ट ये लिख ही देता क्योंकि इसके डायमेंशन होती है मास की पावर वन पे डिपेंड करती है लेंथ पे भी वन पर करती है और टाइम पे माइनस टू पर करती है लेकिन अगर मेरे को पूछा गया है कि प्रेशर पे किस पर तरह कर रही है है ना वेलोसिटी पे कैसे कर रही है टाइम पे कैसे कर रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है करोगे ये कि मैंने लिखा फोर्स और मैंने मान लिया कि प्रेशर पे पावर एक्स पर डिपेंड कर रही है तो पी की पावर क्या लिखा मैंने एक्स लिख दिया उसके बाद में वेल, वेलोसिटी की पावर वाई पे और आपकी तीसरी क्वांटिटी कौन सी थी टाइम है है ना तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी जेड इन पर डिपेंड कर रही है और एक्स वाई जेड हमको पता नहीं है तो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड ही तो निकाल लें ऑप्शन में ये तो बचा है बस तो इसकी पावर एक्स की में क्या आएगी वाई कितनी आएगी और जेड कितनी आएगी अपन को निकालना है तो सबसे पहले करोगे क्या ये लिखा आपने यहाँ से डायरेक्ट आपको पता क्या है आपको पता ये है कि एम एल टी यानी मास लेंथ और टाइम इन तीनों के अंदर मैं डायमेंशन किस तरह से निकाल पाता हूँ तो मेरे को बताया कि फोर्स की डायमेंशन क्या लिखता हूँ मैं एम की पावर वन एल की पावर कितनी वन टी की पावर कितनी माइनस टू ये लिख दी मैंने उसके बाद में प्रेशर प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है तो प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया यही तो प्रेशर होता है तो फोर्स की डायमेंशन ये रही इसमें एरिया का डिवाइड करोगे एरिया का मतलब एल की पावर माइनस टू जब मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से तो ये मैंने मतलब कहा एम वन एल की पावर कितनी हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी और टी की पावर कितनी है माइनस टू ये हो गई आपकी एक्स पे कर रही है उसके बाद में वेलोसिटी की पावर वाई वेलोसिटी की पावर वाई का मतलब एल वन हो गया टी कितना हो गया माइनस वन ये हो गई पावर कितनी आराम से लिख पा रहे हो उसके बाद में टी की पावर जेड टी को क्या लिखोगे टी की पावर वन तो मैंने लिखा यहाँ पर टी की पावर वन और ये पावर कितनी आ गई जेड ठीक है ये लिख सकते हैं अपन तो तीनों के डायमेंशन जब आपको पता है तो आराम से लिख पाओगे उसके बाद में अब आपको पता है कि मास की पावर वन है यहाँ पे और यहाँ पर भी मास है यहाँ पर भी है तो इसको क्या करना है आपको कंपेयर करना है कंपेयर कैसे करोगे ये लिखा मैंने यहाँ पर वन बराबर मास का कम्पेरिज़न करोगे तो मास के कम्पेरिज़न में आपको पता चलेगा इसकी पावर यहाँ वन है इधर आगे पावर कितनी है यहाँ पर एक्स तो मैंने ये लिखा एक्स उसके बाद में यहाँ कितनी है तो यहाँ तो ज़ीरो है उधर भी कितनी है ज़ीरो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो एक्स वाई जे डी तो निकालना है तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई वन आ गई उसके बाद एल के लिए कंपेयर करोगे तो यहां से एल की पावर कितनी है वन बराबर इधर कितनी है माइनस एक्स तो ये आया माइनस एक्स उसके बाद में यहाँ है आपकी एल की पावर वाई तो ये हो जाएगा वाई और एल उसमें है ही नहीं तो ये कितना हो गया जेड आएगा ही नहीं यहाँ पे अब यहाँ से हमको बताया कि एक्स की वैल्यू कितनी है वन है तो वन माइनस वन हो गया इधर आया तो आपका कितना हो गया टू हो गया तो इसका मतलब वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई अब इसके बाद में आपको वन और ये पता चल गया अब लास्ट जो आप कंपेयर करोगे वो क्या है टाइम पे कंपेयर करो तो टाइम के लिए कंपेयर करोगे तो यहां पर कितना आपके t की पावर टू है तो मैंने लिखा है माइनस टू इधर लिखोगे तो कितना आएगा माइनस टू एक्स इधर तो टाइम की पावर कितनी है माइनस वाई और ये हो गया प्लस का z लिख सकते हो ये यह। अब यहां से एक्स हमको बताया कितना है वन है ये कितना है टू तो ये माइनस दो बराबर कितना है माइनस दो यहां से कितना है माइनस का दो प्लस का कितना है जेड ठीक उसके बाद माइनस टू से माइनस टू कट गया तो जेड बराबर कितना आ गया दो आ गया इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको मिल गई तो पी की पावर कितनी होनी चाहिए पी की पावर वन होनी चाहिए उसके बाद में वी की पावर कितनी होनी चाहिए टू उसके बाद टी की पावर कितनी होनी चाहिए टू तो यहां से अपन अगर देखेंगे तो देखो P की पावर कितनी आ रही थी वन और वी की पावर टू और T की पावर टू ये आपका क्या है राइट ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन आपके पास में यही है P की पावर वन टी वी की पावर टू टी की पावर टू ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो यहाँ से अपन को जितने भी डायमेंशन है उसमें अगर मान लो रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी बाकियों पर किस तरह से डिपेंड कर रही है वो अगर आपको निकालना है तो आप इसकी जो है वो हेल्प लें यही प्रोसीजर फॉलो करें करना कुछ नहीं है सबसे पहले ये देखो कि कौन सी डायमेंशन है जैसे पी वी टी है अगर ये डायमेंशन मुझे आती है तब तो आगे बढ़ना है अगर ये डायमेंशन नहीं आती है, तो खेल वहीं खत्म हो जाता है तो अगर ये डायमेंशन पहले कन्फर्म कर लो कि मुझे आनी चाहिए अगर आ रही है तब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो क्योंकि क्वेश्चन लाइन होने वाला है तो मैंने यहाँ से लिखा सबसे पहले पी वी टी तो मुझे ये पता था कि पी की पावर एक्स पर डिपेंड कर रही है मान लिया वी की पावर वाई और टी की पावर जेड पे अब अगर इस तरह से डिपेंड कर रही है तो इनकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखे आपने पावर्स को क्या करा कंपेयर करा आपका आंसर आ गया अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब में करना यही है सेम प्रोसीजर रहेगा पहली चीज़ आप ये ध्यान रखोगे आपको पावर ये जो डायमेंशन अब आती है कंपेयर करना आता है कंपेयर करना आता है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा ठीक है ये चीज़ अपन को क्या करनी है ध्यान रखनी है तो ये आपके क्या थे तीन चार कॉन्सेप्ट आपके इसके हो गए डायमेंशन के हो गए अब डायमेंशन के एक दो कॉन्सेप्ट आपके और बचे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन होती है वो अपन डिस्कस करेंगे लेकिन वो अपने कल के लेक्चर में रहेगा तो फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाबा ए सी यू जय हिंद जय जै भारत अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें ठीक है मिलते हैं कल की क्लास में कल नौ बजे इसी